मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी में लाखों रुपए के सोने का हुआ फर्जीवाड़ा। दूसरे के गोल्ड पर कर्मचारी ने ले लिए 12 लाख रुपए के लोन, अब गायब हुआ सोना। आपको बता दें कि रीवा कैमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी लाखों रुपए के सोने का फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है, जिसमें कंपनी प्रबंधन के द्वारा एक व्यक्ति के तकरीबन 400 ग्राम सोने को गायब कर दिया गया। मामले पर पीड़ित के द्वारा मैया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी के मैनेजर सहित दो कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बता दें कि मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में लाखों रुपए के सोने का फर्जीवाड़ा हुआ है। पीड़ित ने अपना सोना रखकर लोन लिया था, लेकिन उसके सोने को गायब कर दिया गया। पूरा मामला सामने आते ही पीड़ित व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तत्कालीन मैनेजर समेत दो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिनके पकड़े जाने के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। बताया जा रहा है कि सुशील पांडे निवासी चिरौला कॉलोनी ने 18 लाख रुपए का 400 ग्राम का सोना मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में रखकर लोन लिया था। उनके सोने को तत्कालीन ब्रांच मैनेजर सोमेश जी निवासी केरल व कर्मचारी कमल नयन मिश्रा निवासी रीठी ने गायब कर दिया। पीड़ित अपना सोना सुरक्षित मानकर किस्त चुकाते रहा। किस्त पूरी होने के बाद जब वह अपना सोना वापस लेने पहुंचा तो उनका खाता पहले ही क्लोज हो चुका था और कंपनी के मुताबिक वह अपना सोना ले जा चुके थे। इस बात की जानकारी मिलने पर फाइनेंस कंपनी में भी हड़कंप मच गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत अमैया थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आ गया। पाया गया कि ब्रांच मैनेजर व कर्मचारी ने सुनियोजित तरीके से पीड़ित का सोना गायब कर खाता क्लोज कर दिया था। जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब घटना की जाँच कर तथ्यों को जुटाने में लगी है। प्रस्तुत है एडिशनल SP रीवा अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी का अंश। एक द्विवेदी जी ने अपने यहाँ से 400 ग्राम सोना मणिपुरम में गिरवी रखा था और मात्र 1000 रुपये उससे लिया था उसके अगेंस्ट में। उसके पीछे रखने का लॉजिक इनका ये था कि अगर वो बैंक में यदि लॉकर में रखते तो उनको फीस देना पड़ता और अन्य जो खर्चे हैं उनके आते। इससे बचने के लिए उनने मणिपुरम में 1000 के लोन पे अपना 400 ग्राम सोना रख दिया। वहाँ कमल नैन जो है एक व्यक्ति उनके यहाँ मणिपुरम में काम करता है, तो उसने क्या किया कि एक उनका 1000 रुपये लोन अपनी तरफ से भर के और उस सोने को चार टुकड़ों में भर कर करके और चार खाते खोल दिए और उसमें से करीब हर खातों से लोन निकाल के 12 लाख का लोन ले लिया उस पर। ऐसा करके उसने ये अवैध लाभ ले लिया उससे और जब ये वहाँ पहुँचे तो पता चला कि उनका सोना नहीं है। तो इसमें जो है अमैया पुलिस में शिकायत हुई थी, तो अमैया थाने में थाना प्रभारी ने उनके विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए जो मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर और कमल ने इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया। अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है।